हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप घर पे ही पेंसिल एक्सटेंडर कैसे बना सकते हैं। अगर आपकी भी पेंसिल काफ़ी छोटी हो चुकी है तो आप इस जो पेंसिल एक्सटेंडर में आज बनाना सिखाऊंगा उसकी मदद से आप अपनी पेंसिल को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए एक जो स्केच पेन होता है, अपना स्केच कलर, उसका जो पिछला वाला हुआ उसे आप खोल लीजिए। उसके बाद आपकी पेंसिल उसके अंदर डालने से आपकी पेंसिल काफ़ी अच्छे से कम्फर्टेबली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से यूज़ करना है इसको। तो जो इसका जो पीछे वाला ये ढक्कन होता है जहाँ से रिफ़िल पड़ती है इसकी, तो उसको आपको खोल देना है एक बार। और उसके बाद जो भी आपकी पेंसिल काफ़ी छोटी हुई, ये मेरे पास ये पेंसिल है तो मैं इसे अंदर इसके डाल देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से फिट हो चुकी है इसके अंदर और हम इसका इस्तेमाल भी एकदम कम्फर्टेबली कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका इस्तेमाल करके भी अभी दिखाता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो देखिए, हमारी पेंसिल काफ़ी सही लग रही है, इसमें आपकी छोटी पेंसिल हो चुकी है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, मैं इसका इस्तेमाल भी कर रहा हूँ यहाँ पर नोटबुक पे, तो एकदम कम्फर्टेबल लगे रहा। अगर आपको छोटी हो चुकी पेंसिल तो आप इसका इस्तेमाल करके अपनी पेंसिल को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।